सुबह सबसे पहले मैंने भिंडी को निकाल के रख दिया था, आपने देखा है। अब कुकिंग का समय आता है, भिंडी बहुत दिन के बाद खाने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है, मैंने पिछली बार आपसे पूछा था आपको अच्छी लगती है या नहीं, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छी लगती है। सो पिंडी बनाएंगे एंड मज़े ले लेके खाएंगे। हस्बैंड देख रहे हैं क्रिकेट, सो वो अपस्टेयर खाना चाहते हैं, पर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रही हूँ। एंड मैंने मिस्सी रोटी बनाई है इसके साथ, एंड हर बाइट लाइक सोल फूड लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पिंडी बनी है। आई डोंट नो पिंडी की इतनी तारीफ करनी चाहिए या नहीं। ओके सो खाना खाने के बाद ना मैं चली गई थी होमसेंस थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। मुझे ना घर के लिए बेडशीट चाहिए, मैं बहुत लंबे समय से अच्छी बेडशीट्स को ढूंढ रही हूँ, मुझे मिली नहीं है। सो मैं गई थी होमसेंस, यहाँ मुझे लग रहा नियरेस्ट होमसेंस है मैकेंजी में, एंड या वहाँ पे अच्छा सामान था। एक बेडशीट ली है मैंने एंड पिलो कवर्स, मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छा है समर स्टाइल, पर अब मुझे पता नहीं है कि वो अच्छी रहेगी या नहीं, क्योंकि उस पर एक्चुअली लिखा है 100% कॉटन। और बहुत सारी मैं बेडशीट्स लेती हूँ जो जिस पर बहुत ज़्यादा यू नो बोर आ जाती है, जो मुझे बहुत अजीब लगती है, एंड सोने में भी आपकी स्किन पे चुभती है, अजीब लग दिया, फिर मैंने उन्हें रेड ऑफ होना पड़ता है। 10 years ago इंडिया से ना मैं एक दुकान से जहाँ पे थोक में सामान मिलता है, लाइक बड़े बड़े थान होंगे, आप अपने स्टाइल की कोई भी बेडशीट्स कटवा के बनवा सकते हैं अपने स्टाइल की। सो जो मैं वो लेके आई थी उसकी कंडीशन अभी भी वैसी की वैसे है, कॉटन ख़राब नहीं हुआ है, पर बेडशीट बुरी तरह कस चुकी है, एंड एक पास तो बेचारी इतनी पतली होगी ना, बस फटन वाली सिचुएशन पे है, पर मुझे खूबसूरत बहुत लगती है। या ये मुझे पता नहीं अब कैसी रहेगी, है तो महंगी थी, $60 में है, आई होप कि यदि क्वालिटी अच्छी हो। सो मैं आपको लेटर दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। मैंने ना वाइट वाइट लिया क्योंकि वाइट से ना बहुत क्लीन भी लगता है। सो फिलहाल मैं आपको ना आके दिखाती हूँ, अब मैं जा रही हूँ सैर करने के लिए। हस्बैंड बहुत लेजी हैं, वो जाना नहीं चाहते थे, पर मैं उन्होंने डरावा देता कि मैं कल्ले चल रही हूँ, ना आ गया तैयार हो के वो चाहते नहीं है मैं अकेले जाऊँ। सो या हाफ एन आवर 40 मिनट तक की वॉक करेंगे, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि मेरी चादर कैसी है। सो हिम्मत अपने दोस्त के घर चला गया उसको लेने के लिए, क्योंकि फिर वह दिल नहीं लादा पार्क से, दोनों जने गेम्स खेल दिया, और कल भी इनकी ना गेम अधूरी रह गई थी, उन्होंने कहा था वहीं से शुरू करेंगे। आई थिंक वो है नहीं है घर वो चल। सो पट्टी कल्ले एप्पल खान दे कभी किसी नहीं देंगे, या अपने लिए मिठा है दूजे नु देने लिए खट्टा है। तू ही मेरी रडार च आ, थोड़ी हर एक मूवमेंट मैं कैद करनी है, थोड़े दिमाग च चलता की आ हर एक थॉट थोड़ा मैनू पता होना चाहिए। सो हिम्मत आ रहा है वापस, उसे उसका दोस्त नहीं मिला है। तो मैंने ली है कि ये बेडशीट, ये बहुत ही प्यारा सा कॉटन का मटेरियल है, एंड एक ये है इसमें बैग में भी बना है, ये फिक्का जा वधिया स्टाइल, एंड एक ये वाइट। सो तीन बेडशीट्स हो गई हैं,
चेंज करने वाली हूँ इसको मैं, बेचारी गरीब सी। कॉर्नर से तो अभी भी बहुत अच्छी, पर अंदर से बेचारी ना हो गई है थोड़ी ख़राब। समझ में नहीं आ रहा इसको बिछाऊँ या इसको, इन दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं। इसको बिछाती हूँ क्योंकि हाँ उसके जैसे सिमिलर है, राइट। सो बिछाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कैसा दिखता है ये। टी शर्ट जस्ट अ प्लेन वाइट कवर्स। Okay, cut. Now I'm not listening. Hey, you don't see me. What are you doing here? So I am going to IKEA today. क्यों? क्योंकि मुझे ना प्लांट्स लेने होते हैं, आपको पता है मैंने अर्लियर भी बताया था। लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे। पहले मैंने सोचा था पति को लेके आऊँगी, पर हुन पति ने नहीं लिया आपा। मैं पति नोक छोक बहुत करते हैं, ये नहीं लेंगे वो लेंगे। बाल मेरे ऑयली हैं क्योंकि कैलगरी में पानी की प्रॉब्लम है, एंड मैं बाल वॉश नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे लगता है पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। मैंने शावर लिया था पर मैंने बाल नहीं वॉश किए हैं, एक आधा दिन और वेट कर लेते हैं क्योंकि पानी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड उन्होंने कहा है कि पानी कम से कम यूज़ करें। सो इसलिए थोड़े ज़्यादा ही ऑयली हो गए हैं, इट्स ओके। सो मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम पे ना मैसेजेस आए हैं कुछ गर्ल्स के जो बोल रही थी कि उनका जीने के लिए और मन नहीं कर रहा है और वो चाहती हैं कि मर जाएं, या फिर कुछ कह रही हैं कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि हमें मर जाना चाहिए। जब भी ऐसा कोई मैसेज आता ना तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे को कंफर्ट दूँ। पता नहीं उसने ये बात किसी और को बताई होगी या नहीं, और कितना सीरियस था, एंड अगर मुझे बताया है तो मैं हेल्प करूँ कि ऐसा ना हो। गाइस, जब आप बुरी सिचुएशन में होते हैं, स्पेशली जिसकी सेहत ख़राब है, बहुत सारे जिनों भी लोगों ने मुझे ये मैसेज किया उनकी सेहत ही ख़राब थी, ये गर्ल की भी सेहत अच्छी नहीं है, एंड उसका लगता है कि जीने का कोई मकसद नहीं है। गाइस, जब भी हमारे साथ कुछ होता है, मैंने बहुत बार बताया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। आप ना गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, भगवान को, क्योंकि जो भी हम पास्ट कर्मा करते हैं, मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, एंड जितने भी मुझे एविडेंस मिले हैं उससे मुझे पता चलता है कि हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है तो वो हमारा ही कर्मा है। आज नहीं आप फेस करेंगे तो आगे जाके करेंगे। आज आप सुसाइड कर लेते हैं, ये सब आपको सहना ही पड़ेगा, बट यार अगली बार डबल हो जाएगा। जितना आप इसको पोस्टपोन करते रहेंगे उतना ज़्यादा खतरनाक होके आएगा, पर ये हमें सहना ही पड़ेगा। सो सुसाइड करना किसी भी तरह चीज़ का सलूशन नहीं है, एंड भगवान को ब्लेम करना कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं। वो हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, एंड पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ होता है वो कहीं ना कहीं हमारा ही किया हुआ कर्मा जो वापस आ रहा है। सो जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही जल्दी आपकी सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी डिजीज़ के साथ डील करते हैं और आप स्ट्रेस हैं, दुखी हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी बीमारी को बहुत अच्छा लगता है। बीमारी को वो शरीर बहुत अच्छा लगता है जो स्ट्रेस से भरा हुआ हो, जो डरा हुआ हो, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो ग्रो करती है ऐसी बॉडी में। बशर्ते आपकी शरीर बहुत पेन में है, आपका शरीर बहुत पेन में है, आप फिर भी पॉजिटिव हैं, एंड फिर भी आप अपना जैसे भी अपने आप को आप संभाल सकते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी सोच क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, वो आपकी बीमारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपकी बीमारी को बहुत मज़ा आ रहा है, आप और बीमार फील करेंगे, आप और ज़्यादा स्ट्रेस होंगे, एंड और ज़्यादा पेन में आएगी बॉडी। जितनी जल्दी आप अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं उतनी जल्दी आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। यस, हमें ये चीज़ों के साथ डील करना ही पड़ेगा, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये
ये अब हम पे है हम कितनी अच्छी तरह इन सिम्टम्स को कंट्रोल में लाते हैं। सो अगर आप किसी भी बीमारी के साथ डील कर रहे हैं, आपको मैं कैसे बताऊँ, जब मुझे डायग्नोस हुआ था मैं एक हफ्ता पहले बहुत मज़ेदार थी, अचानक से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी एंड हाथ भी बंद नहीं कर पा रही थी, चीज़ें उठा नहीं पा रही थी, ब्रश करना मुश्किल था, कंघी भी नहीं हो रही थी मुझसे। एंड मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से मैं बेड से उठती थी एंड वॉक करके डाउनस्टेयर आती थी, पर मुझ में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी और इतना सडन मेरी बॉडी में चेंज आया। मैंने एक चीज़ रखी, बहुत दुखी हुई मैं, बहुत रोई, पर मैंने ना गॉड को ब्लेम नहीं किया। मुझे पता है कि ये हमारे कर्मास हैं, हमारे ब्लॉक्ड चक्रास हैं एंड बस मैं ना गॉड से मैं बहुत रोती थी एंड मैं गॉड को ये रब नू यही कहती थी कि रब्बा मुझे फॉरगिव कर दो, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं मुझे फॉरगिव कर दो और मुझे ताकत दो इसके साथ डील करने के लिए, बस मुझे माफ़ कर दो। मैं ये नहीं कहती थी तुम भगवान है ही नहीं, मुझे ऐसा क्यों किया। शायद भगवान ने मेरे तरह थोड़ा तरस आ गया, उन्होंने मेरी हालत थोड़ी बेहतर कर दी। मैं दवाइयाँ खाती हूँ, मैं जो भी अपनी सेहत को सही करने के लिए चीज़ें कर सकती हूँ मैं सारी करती हूँ। मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत सारी अफर्मेशंस बोलती हूँ, जो भी मैं लगता है कि मेरे तरफ से किया जा सकता है जिससे मेरी सेहत अच्छी हो मैं सारी चीज़ें करती हूँ। पर मैं एक चीज़ को मैंने मान लिया है कि अगर मेरी सेहत ख़राब है ना, वो ऐसा ही होना था, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने मेरी सिचुएशन को। यस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना वैसे वैसे आपकी सिचुएशन चेंज होती है। आप हमेशा चुस्त फुरुस्त नहीं रहेंगे, आप हमेशा ही वैसे नहीं दिखेंगे, आपके रिंकल्स भी आएंगे, आपकी चाल भी धीमे हो जाएगी, आपके गोडे भी ख़राब हो जाएंगे। सो एक्सेप्ट करें, इट्स ओके, ख़त्म नहीं होगी ज़िंदगी। सुसाइड करना किसी तरह का भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोचते हैं सुसाइड करने से मैं पेन से मुक्त हो जाऊँगी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप कितनी पेनफुल सिचुएशन में जाने वाले हैं। आप ऐसे रेल्म में फंस जाएंगे जहाँ पे सिर्फ डार्कनेस है, आप मूव भी नहीं कर सकते हैं, आपको कोई भी सुन नहीं सकता है, आप हज़ारों सालों तक उसी जगह पर रहेंगे, हिल के पीछे भी नहीं देख सकते हैं और आप तरसेंगे कि मुझे बर्थ मिल जाए और मैं जो भी पेन मुझे सहनी थी मैं सह लेता हूँ एंड इससे डन हो जाए मेरा। सो अगर आपको लगता है कि उससे छूट जाएंगे, छूटेंगे नहीं, आप और वर्स्ट सिचुएशन में जाएंगे एंड जब आपका फिर से जन्म होगा चीज़ें और वर्स होंगी, आपको पेन सहना पड़ेगा 3-4 गुना ज़्यादा। सो एक्सेप्ट कर लें। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी, किसी भी किस्म की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि बहुत सारी ग्रह दशा है जिससे आपको बीमारियाँ आती हैं, और जब आप स्पिरिचुअल होते हैं किसी गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड में ताकत है आपके ग्रह दशा को भी सही करने की। सो आपका माइंडसेट सही होगा, आपके ग्रह सही होंगे, आपकी डिजीज थोड़ी अंडर कंट्रोल हो जाएगी, आप में सहने की ताकत आ जाएगी। हो सकता है आपकी बीमारी उसी इंटेंसिटी से रहे बट आपका जिंदगी को जीने का नजरिया बदल जाएगा, आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे एंड आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी बीमारी को। हाँ ऐसा ही है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका 4 का कैंसर है या ऐसी रेयर से रेयर डिजीज है एंड उनके चेहरे की खुशी देख के आप हैरान हो जाएंगे कि यार कितना है। कई लोगों की टांगे नहीं है। एक मैंने गर्ल देखी, उसको कैंसर हो गया था एंड उसकी टांगे काटनी पड़ी। पहला वधिया एथलीट जैसी बॉडी थी उसकी, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी एंड एक दिन उससे ऐसी बीमारी हुई कि वो लत्ता काटते हैं और इतनी खुश हो, बिना टांगों के उसने जीना सीख लिया और इतनी हैप्पी है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है कि आपको ऐसे लोगों को देख के हिम्मत लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी बीमारी को कितनी खूबसूरती से एक्सेप्ट किया है। एंड एक लास्ट चीज़, अगर आप और शांति चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ें ज़रूर से। उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें गुरु को पहले पता चल जाता है कि आने वाले समय में क्या होगा। एक बार ऐसे होता है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ वॉक करके जा रहे हैं एंड उन्होंने अपने कपड़े से कपड़ा उतारा, पट्टी बना ली, कह रहे कि यहाँ पे बांध देना थोड़ी देर में चोट लगने वाली है। सो उनके शिष्य ने कहा कि अगर आपको पता था कि मुझे आपको चोट लगने वाली है, आगे जाके चोट लगी तो आप रुके क्यों नहीं, एक थोड़ी देर का डिस्टेंस होता है, आप साइड से निकल जाते, आपको पता था। वो कह रहे कि जो चीज़ गॉड ने क्रिएट की है, जैसे मुझे कर्मा मेरा रिटर्न में मिलेगा वो मुझे एक्सेप्ट करना ही है, अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मुझे 100 गुना बड़ा होके मिलेगा। सो उनको पता था कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि मुझे कील लगने वाली है, अगर मैं नहीं करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। सो जिन लोगों को पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है थोड़ी देर में, वो भी उस चीज़ को तैयारी कर लेते हैं कि यस
अभी मुझे चोट लगी कि पट्टी बांध लेता हूँ, पर होने वाली चीज़ को आप टाल नहीं सकते हैं। सो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट आता है तो मुझे मैसेज करें, अगर आप किसी और को नहीं करना चाहते हैं, पर प्लीज़ किसी ना किसी से बात ज़रूर करें, क्योंकि ना ये जो स्टूपिड थॉट होते हैं ना, कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। अगर आप बात करके चीज़ें निकाल देंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा। गूगल करें, बहुत सारी हॉटलाइंस चलती रहती हैं अराउंड द ग्लोब, सो उनके साथ बातचीत करें, वो आपको हेल्प करेंगे ऐसा कुछ नहीं करने से। पर प्लीज़ दोस्तों हिम्मत ना हारो, चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। जैसे रात पड़ती है दिन भी चढ़ता है, सूरज बहुत मज़ेदार किरणें लेके निकलता है। सो हिम्मत ना हारो, स्ट्रांग बन के रहो। सो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आपको रब आपकी डिजीज़ को सहने की शक्ति दे, एंड जल्दी ही आपकी डिजीज़ अंडर कंट्रोल हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो, मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप मेरे से कोई और वीडियो देखना चाहते हैं उसे कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगी आपको नए वीडियो में। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय, लालू।